वो कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे हमने, इसकी डेफिनेशंस हो गई थी सारी, अथॉरिटी, स्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी पढ़ लिया था, फंक्शन ऑफ अथॉरिटी पढ़ लिया था। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव्स, यहां से हमारा आज स्टार्ट होगा टॉपिक। पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव्स, द फेडरल गवर्नमेंट में as and when it considers necessary issues directives to the authority on the matter of policy and such directives shall be binding on the authority। अब यहाँ बात हो रही है पेमरा की, तो ये obviously authority का मतलब भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जो पेमरा के बारे में बात कर रहा है, कि अगर जो है वो पॉलिसी चेंज होगी गवर्नमेंट की, या कोई भी पॉलिसी के अंदर कोई नई चीज ऐड करनी होगी या कोई चीज डायरेक्शन देनी होगी मीडिया के हवाले से, तो गवर्नमेंट अपनी डायरेक्शंस इशू करने का इख्तियार रखती है। फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे अपने डायरेक्टिव्स, डायरेक्शंस वगैरह इशू करके पेमरा को बता सकती है। इफ अ क्वेश्चन अराइज वेदर एनी मैटर इज मैटर ऑफ द पॉलिसी और नॉट, द डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। यानी अगर कोई भी मैटर आ जाता है वहां पर, वो कहते हैं कि ये तो मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं है बल्कि ये तो मैटर ऑफ राइट है, तो फिर उसको जो है वो अंडर डिस्कशन लाया जाएगा, लेकिन जो भी फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल समझा जाएगा। मेंबर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जो होगी एक बोर्ड की तरह होगी, किसी एक बंदे के ऊपर मुश्तमिल नहीं होगी। और इसमें कौन कौन लोग मेंबर होंगे पेमरा के अंदर? नंबर वन, अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 12 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है इसके अंदर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और इसमें मेंबर्स जो है वो 12 होंगे, एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन को मिलाकर 13 हो जाएंगे। द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एमिनेंट प्रोफेशनल ऑफ नोन इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, हैविंग द सस्टेनेबल एक्सपीरियंस इन मीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और लॉ। यानी अगर आप, जाहिर सी बात है पेमरा के लिए उसको एक किसी भी बंदे को एज अ चेयरमैन अपॉइंट करना है, तो वो किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होगा जिसको ये मालूम ही ना हो कि पेमरा है क्या चीज या उसके साथ किस तरह डील करना है। ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस हो कुछ ना कुछ मीडिया के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, मीडिया बिजनेस के साथ उसका ताल्लुक हो, मैनेजमेंट से वाकिफ होना चाहिए वो बंदा, और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, लॉ और कानून की भी उसको समझ होना जरूरी है। नंबर थ्री, आउट ऑफ द 12 मेंबर्स वन शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन फुल टाइम बेसिस एंड 5 शैल बी एमिनेंट सिटीजन चूजन टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस व्हिच एक्सपर्टाइज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, मीडिया, लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड द सोशल सर्विसेज। यानी कि अब इनमें से जो हमारे पास 12 मेंबर होंगे, 12 मेंबर्स में से एक जो होगा वो तो बिल्कुल ही परमानेंट रहेगा और परमानेंट बेसिस के ऊपर होगा। उसके अलावा जो 5 मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे? वो तमाम प्रोविंसेस से होंगे, और उनमें उन लोगों का जो एक्सपर्टीज होंगी वो किस चीज में होंगी? मीडिया में होंगी ऑब्वियसली, लॉ से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स और सोशल सर्विसेज से रिलेटेड होंगे वो बंदे। ऑफ द 5 मेंबर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और बाकी जो 5 लोग होंगे वो जनरल पब्लिक में से होंगे। 2 मेंबर्स शैल बी वुमेन, यानी कि दो लेडी होंगी जो एज अ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन करेंगी। उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स होंगे वो मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन दो जो है लेडी लाजमी होंगी एज अ फीमेल मेंबर्स। अच्छा, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग, सेक्रेटरी इंटीरियर डिवीजन, चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एंड द चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब ये एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि एक तो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी हो गई, जिसके अंदर वो ऑलरेडी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर अगर कोई सेक्रेटरी है बंदा तो वो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी हो गई। उसके अलावा उसको जो है एडिशनल चार्ज यहाँ की मेंबरशिप का भी मिला हुआ होगा, और वो भी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर यहाँ पर होंगे इनके साथ। 4A में कह रहा है कि अच्छा, अब ये कितने लोग हो गए आप देखें, ये
जो हमने ऊपर मेंबर्स पढ़े थे वो 13 कंप्लीट हो गए थे। 13 के बाद अब ये जो मेंबर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये है, और सेक्रेटरी इंटीरियर डिवीजन, और चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो है ये एडिशनल मेंबर्स हैं। ठीक है, वो ऊपर जो है ना वो 13 का नंबर कंप्लीट हो चुका है। 13 के नंबर में हमने देखा है कि चार जो है वो पांच जो है प्रोविंसेस से आए हैं, और जो है वो उसके अलावा एक उसमें परमानेंट है, और जो है वो 12 मेंबर्स में से दो लेडी हैं, और उसके अलावा जो है जनरल पब्लिक में से उन्होंने कितने लिए हैं, पांच लोग, वो भी प्रोविंसेस की बेस पर उनकी मेंबरशिप होगी, यानी हर प्रोविंस से एक बंदा लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं नंबर 4A के अंदर, द रिमेनिंग टू मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन नीड बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन कौन सा? पेमरा का जो चेयरमैन होगा, अगर वो रिकमेंड करके दो लोग अगर जरूरत के बेस पर, यानी नीड बेसिस, अगर उनकी जरूरत होगी तो, अदरवाइज वो नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, दो लोग अगर जरूरत होगी उनकी तो फिर वो दो लोग एडिशनली अपॉइंट किए जा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन। द मेंबर शैल रिसीव सच फी एंड एक्सपेंसेस फॉर सच मीटिंग एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर द 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी विदाउट द लीव ऑफ द अथॉरिटी। अब इसके अंदर जो देखें, ये 12 मेंबर्स से बता रहा है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़कर, क्योंकि वो तो एडिशनल मेंबर होंगे, बाकी जितने लोग होंगे वो पेमरा के यूं समझ लें कि लाइक जो है एक उनके जैसे यूं समझ लें कि उनके ऑफिशियल मेंबर होंगे, वो उनके जो है वो एम्प्लॉयज होंगे। अब वो जो है जाहिर सी बात है एक बाकायदा रिन्यूमरेशन भी ले रहे होंगे और वहां से, और जो है बेनिफिट्स वगैरह भी ले रहे होंगे, तो इस वजह से जाहिर है उनको जो है अपने ऑफिस को देखना है, और उसकी उनकी जो है प्रॉपर ड्यूटी होगी वो प्रॉपरली तमाम मीटिंग्स अटेंड वगैरह करना, ये सब चीजें, तो ये सब काम उनको करने हैं। अगर वो कॉन्सिक्यूटिवली जो है वो 3 मीटिंग से जो है वो विदाउट एनी रीजन अगर गायब रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, तो उनको जाहिर है उसका जवाब दे होना है। इनका मेंबर्स का टेन्योर कितना होगा? द चेयरमैन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर अनलेस अर्लियर रिमूव्ड फॉर द मिसकंडक्ट और फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटी शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अब ये जो है 4 साल के लिए मेंबर होंगे, 4 साल के बाद जो है वो मेंबर्स न्यू अपॉइंट होंगे, या फिर इन्हीं का टाइम एक्सटेंड किया जा सकेगा वक्त टाइम टू टाइम। एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ सिमिलर टर्म और एज द फेडरल गवर्नमेंट मे डिटरमाइन। यानी अगर उनमें से कोई ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा या इनकॉम्पिटेंट है, जैसे उन्होंने कहा है कि उसके अलावा किस किस चीज किन किन बेस पे, मिसकंडक्ट के बेस पे उसको रिमूव किया जा सकता है, फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी, यानी फिजिकल यानी अगर कोई बहुत ज्यादा बंदा बीमार है और बेड रेस्ट पे चला गया है, इस बेस पे भी उसको रिमूव किया जा सकता है, या फिर मेंटली रिटार्टेड यानी जैसे कि अगर इंसेन हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है तो फिर उस बेस के ऊपर भी उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं होती, 4 साल का टाइम पूरा हो जाता है तो वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं, उनका टाइम मजीद आगे एक्सटेंड करके 4 इयर्स तक किया जा सकता है, या फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट देखती है कि ये मेंबर कोई किसी भी मेंबर को सूटेबल वो नहीं समझती तो वो उसे रिमूव कर सकती है, उसका नाम जो है वो रिकमेंडेशन से निकाला जा सकता है। Provided that the chairman and as a member shall retire on the attaining the age of the 65 years. Yani chairman aur jitne bhi member hain isme se agar wo 65 years ki age ko pahunch jate hain to wo retirement necessary retirement jise hum kehte hain jo age ki base par hoti hai unki base par unko remove kiya ja sakta hai. Explanation for the purpose of this section, the expression misconduct means conviction for any offense involving moral turpitude and includes conduct prejudicial to good order, unbecoming of a gentleman. यानी एक gentleman की जो खूबी होनी चाहिए अगर उससे हट जाता है बंदा, या अगर officially misconduct करता है और किसी crime में involved पाया जाता है जो कि moral turpitude का है तो भी जो है उसको मिसकंडक्ट के अंदर शामिल समझा जाएगा। द चेयरमैन और मेंबर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड
रिजाइन हिज ऑफिस, किसी भी वक्त वो अगर चाहें और अपनी सीट से वो जान छुड़ाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो वो बाय राइटिंग जो है अपनी जो है वो रेजिग्नेशन वो उसको दे सकते हैं, अपनी सीट से रिजाइन कर सकते हैं और वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं कभी भी चाहें तो। अच्छा, मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी जो है, मीटिंग के लिए क्या उसका है कि मीटिंग जो होगी उसके अंदर द चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस द मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर फॉर द पर्पस शैल प्रिजाइड एट द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब क्या होगा कि अगर चेयरमैन जो है वो खुद मौजूद है तो वो खुद करेगा उसको चेयर करेगा अपनी जो है वो मीटिंग को, यानी वो खुद जो है उसको हेड करेगा। अगर चेयरमैन नहीं है मौजूद और मेंबर्स मौजूद हैं तो फिर इलेक्टेड मेंबर जिस वो सारे मेंबर मिलकर किसी एक को कहेंगे कि जनाब आप प्रिजाइड कर लें बाय वोटिंग किसी भी एक शख्स को एज अ जो है वो हेड करने के लिए मीटिंग के लिए किसी भी एक शख्स को जो है वो कर किया जा सकता है किसी भी एक मेंबर को कि जनाब आप मीटिंग को प्रिजाइड करें। सब लोग मेंबर अगर कंसेंट देंगे तो वो भी मीटिंग प्रिजाइड इस तरह से भी की जा सकेगी। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम, यानी अगर 1/3 जो है मेजोरिटी मौजूद होगी तो कोरम कंप्लीट होगा और फिर जो है वो मीटिंग हेल्ड की जा सकेगी। अ कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी रिक्वायरिंग अ डिसीजन बाय द अथॉरिटी, यानी अगर कोई डिसीजन लेना है कोई फैसला करना है किसी भी चीज के मुतालिक तो उसमें कोरम पूरा करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1/3 जो है वो मेजोरिटी का होना बहुत जरूरी है। द मेंबर्स शैल हैव रीजनेबल नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग एंड द मैटर ऑन विच द डिसीजन बाय अथॉरिटी शैल बी टेकन इन सच मीटिंग, यानी मीटिंग से पहले ही तमाम मेंबर्स को बिल्कुल जो है नोटिस देना है रीजनेबल टाइम पर, यानी ये नहीं है कि एट वंस उनको आप कॉल करें और बताएं अभी मीटिंग है, ऐसा नहीं होगा। उनको थोड़ा वक्त दिया जाएगा और उनको एजेंडा जो भी होगा मीटिंग का वो भी पहले ही पहुंचाना होगा जिस चीज के मुतालिक डिसीजन करना है। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है कि वैसे तो 3 दिन रीजनेबल समझे जाते हैं लेकिन अगर पॉसिबल ना हो कोई इमीडिएट हो काम तो फिर 1 दिन पहले एटलीस्ट उनको बताना है। द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर members present in case of tie, the presiding a meeting shall have a casting vote, yani president otherwise vote cast nahi karega balki kya karega ki member ki majority ke upar jo hai wo decision hoga, lekin agar koi tie wali situation ban jati hai to phir jo hai wo president jo hai wo bhi vote cast kar sakta hai aur wo decision making vote hoga, वो जिस जो है वो डिसीजन की तरफ ब्रॉडकास्ट करेगा ऑब्वियसली उसे डिसाइड कर दिया जाएगा उसी मैटर के ऊपर जो है उसी उसके पॉइंट पे डिसीजन हो जाएगा। नंबर 5 ऑल ऑर्डर्स डिटरमिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन इन राइटिंग एंड शैल आइडेंटिफाई एंड डिटरमिनेशन ऑफ द चेयरमैन एंड ईच मेंबर सेपरेटली, यानी तमाम जो फैसले होंगे जो डिसीजंस होंगे या किसी की भी कोई जो वोट होगा या कोई उसकी तरफ से डिटरमिनेशन होगी वो राइटिंग के अंदर होगी। यानी अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस डिसीजन से इख्तलाफ करता हूँ या कोई शख्स कहता है कि मैं इसके फेवर में हूँ, दोनों सूरतों में उसको हर चीज एंड राइटिंग के अंदर देनी है, यानी कि रिटन में होगा सब कुछ, कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं होगी जो कि वर्बल हो। और हर किसी से सेपरेटली रिटन में लिया जाएगा। अच्छा, इनकी रिन्यूमरेशन जो होगी, रिन्यूमरेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर किस तरह होगी, द चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी पेड सच एनोल्यूमेंट एट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मे डिटरमाइन एंड शैल नॉट बी वरी टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ द ऑफिस, यानी ऐसा होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी रिन्यूमरेशन तय करेगा हर मेंबर को वो मिलेगी और वो फिर जो है वो ड्यूरिंग द टर्म जो उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा, यानी वो ऐसा नहीं होगा उसको डिसएडवांटेज का मतलब है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जो उसकी जो जो है वो रिन्यूमरेशन डिसाइड होगी तो एज पर डिसीजन उनको मिलती रहेगी और इसी दरमियान में ऐसा नहीं होगा कि उसको कम किया जा सके, उसको कम नहीं किया जा सकेगा।
अच्छा, मेरे ख्याल में आज के लिए शायद आज तो इतना ही काफी, हमने अच्छा खासा पढ़ लिया जी। किसी को कुछ पूछना है इसमें, या हम आगे चलें फिर, या नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़े? कल पढ़ लेंगे मेरे ख्याल आगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लें। यहाँ तक समझ में आ गया सब? आज के लिए काफी है मैडम। हाँ, आज के लिए चलें इतना, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें, कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो। कोई क्वेश्चन पूछना है आप में से किसी को, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ लें। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलें फिर ऐसा करते हैं कि वो अपना सीआर ने ले लिया आप लोगों की, अटेंडेंस वगैरह हो गई? अटेंडेंस ले लिया आपने बासित? जी जी मैम, हो गई। चलें ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि क्लास एंड कर लेते हैं हम, फिर इंशाल्लाह ताला कल जो है वो कल भी इसी तरह हम क्लास ले लेंगे टाइम पे। अगर फारिग होंगी तो मैं तो फिर ऐसा करूंगी कि अगर आप सुबह में फारिग हो मुझे बताइएगा, क्योंकि पार्ट टू का कोर्स बिल्कुल मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज तो उनकी रिपीटेशन की क्लास थी, तभी मैंने क्लास भी जल्दी खत्म कर दी उनकी, क्योंकि कोई कुछ सवाल ही नहीं जो पूछ रहे थे तो मैंने उनको बता दिया। अब कल का ऐसा है कि हो सकता है कि मैं उनकी क्लास ना लूं, क्योंकि मैंने उनको कहा है अगर आप लोगों को शाम तक कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है अब कोर्स मुकम्मल हो गया, अब मैं क्या करूं। चले दूसरे बच्चों को तो पढ़ा दूं मैं। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ जो है वो, जैसे